हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दामोदर राव शकुंतला गुप्ता। और ये शकुंतला गुप्ता जी हैं। आज रिदम म्यूजिक स्टूडियो में 14 सितंबर, आज है, आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन देखिए संजो कैसा समीकरण बना कि आज के दिन रिकॉर्डिंग कल होना था, लेकिन असल में आज होना था, इसलिए आज आई। जी, कल होना हाँ, कल होना था, वैसे था। कल हुआ नहीं, क्योंकि असल में आज होना था, नहीं तो कल ही हो गया रहता। अगर आज आज होना था इसलिए आज आई। आज इन्होंने बहुत सुंदर गाना गाया और इनको बताने वाले भेजने वाले हैं बहुत अच्छे गायक, संजीव झा जी, जिनकी लड़की श्रुति झा वो भी गाती हैं, वो भी गाते हैं, और एक सिंगर होकर एक सिंगर को हेल्प करना हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात है। मैं उनको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, दत्ता देता हूँ। और वो बीच में फ़ोन भी किए थे कि शकुंतला जी पहुंच गई हैं, गा रही हैं, क्या अच्छा गा रही हैं ना, और अच्छा ही गाएंगी और आप अच्छा ही गवाएंगे, ये भी बात बोले। मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जल्दी उनको भी आना पड़ेगा, थोड़ा सा कोरोना के चलते अभी परहेज कर रहे हैं, अच्छी बात है। और उनकी लड़की को भी फिर अभी वो गाएंगी। तो आज बहुत ही सुंदर गाना रिकॉर्ड हुआ आज हिंदी दिवस के दिन। सबसे पहले तो मैं आप सभी मित्रों को, पूरे देशवासियों को, पूरे हिंदुस्तानियों को आज हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, कि हिंदी अपनी मातृभाषा है और इसको आप लोग जरूर पढ़ें, जरूर बोलें, जरूर याद करें और हिंदी में ही अपना व्यवसाय और व्यवहार करें, बहुत आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर भाषा है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गाना रिकॉर्ड हुआ शकुंतला गुप्ता जी का, जो काफ़ी अच्छा है। मैं चाहूँगा शकुंतला जी दो शब्द आप लोगों से बात करें कि कैसा लगा आज गाना गा के। काफ़ी दिनों के बाद आप गाना गाने आई है, इतना लॉकडाउन बीच में था, परेशानियां हैं जिंदगी में, कैसा फील कर हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नमस्ते सबके लिए एंड थैंक्स दामोदर जी को और संजीव जी को, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, नहीं तो हम लोग का कांटेक्ट भी नहीं था, मैं तो जानती भी नहीं थी। संजीव जी ने बोला कि वो बहुत अच्छे इंसान है और न्यू सिंगर को वो चांस देते हैं, काफ़ी नाम सुना था मैंने क्या बात तो है। इसीलिए मुझे भी मन था कि यहाँ पे स्टूडियो में आऊँ और मुझे भी कोई गाना मिले, तो मैंने संजीव जी को बोला मुझे दिला दीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट करा दीजिए उनसे। तो हम मिले हैं, एक्चुअली कल होना था हम लोग का रिकॉर्डिंग, मेरा कुछ काम था तो हम लोग आज मिले और बहुत जैसा मैंने सुना था वैसे ही है, फ्रैंक है, कंफर्टेबल है और इतने सपोर्टिंग है। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो गई थी अंदर जाके स्टूडियो के अंदर, फिर उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया तो मुझे तो बहुत अच्छा क्योंकि लगा। मुखड़ा से ज़्यादा अंतरा अच्छा लगने लगा, हाँ तब जी मुझे लग गया कि अब थोड़ा सा समझ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, जी इसलिए मैं फिर मुखड़ा रिपीट गवा दिया आपसे, और जी आपने अच्छा गाया। और आपके अंदर एक बहुत बड़ी मतलब कॉन्फिडेंस कहा जाएगा, जी संगीत के प्रति वो भी जुनून ही है, दीवानगी है, परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम है, जिससे कुछ दिन के लिए ब्रेक हो जाता है। आपने कहा कि आप जैसा गवाएंगे हम वैसा गाएंगे, वैसा गाएंगे, जितने बार गवाएंगे गाएंगे, क्योंकि मगर क्यों वही गाएंगे मगर हारेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। ये एक संगीत की शक्ति है कि आपके अंदर उस बात का ज्ञान है कि जो अगर आम को आम ही कहा जाता है तो आम कहेंगे हम, जी, करेक्ट, तो संगीत वाकई अगर संगीत हो रहा है और गाना हो रहा है तो उस तो सुर को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं, हम गाएंगे। गाएंगे। ये नहीं कि जाने दीजिए, ये है थोड़ा सा नर्वस आप शुरू में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका, आपने अच्छा गाया, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे अच्छा बहुत गाएंगे और गाते ही हैं। आपका प्रोग्राम शो बहुत सारा होता है, आपको इस बारे में नॉलेज है, इसलिए आपने अच्छा गाया भी, और आगे भी आप गाएंगे और यहाँ भी आएंगे। तो आपका गाना हम एक लाइन सुनाते हैं, अभी सुनिए। सनम सनम तुम
कितना तड़ पाओगे। ये आज का गीत था इनका, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गाना कितना अच्छा है। अपना प्यार दुलार जरूर दीजिएगा, बहुत जल्द ही रिलीज हो जाएगा साईं रिकॉर्ड्स पर, और जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, कुछ कमी भी महसूस हो तो उसे बताइएगा ताकि आगे से उसे सुधार किया जा सके। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते रहेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। आपका एक कमेंट जरूर है, कीजिएगा कमेंट, जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो अच्छा कहिएगा, अगर कुछ कमी लगे तो वो भी बताइएगा, बताइएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी कमी और हम लोग कमी हमसे नहीं बताइएगा तो दूसरा तो दूर करेगा नहीं, जी, दूर हम ही लोगों को करना है जो गड़बड़ी है। हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा गाना बनाते रहेंगे, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हो, नमस्कार।